जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना चीनू सैदपुर एक बार फिर आपके साथ, चीनू सैदपुर फिजिकल ट्रेनिंग फाउंडेशन मोदी नगर में आपका स्वागत है। दोस्तों अग्निवीर, जैसा कि आप लोगों को पता है पिछले सभी सेशन खत्म हो चुके हैं और उनमें एज 21 ली गई है, कुछ में एज 21 ली गई है और एक बार इसमें रिटेंशन मिला था, यानी कि 50 यानी कि आपको एज की छूट मिली थी, 23 करी थी सबसे शुरू में, क्योंकि भर्ती 4 साल तक नहीं आई, 3 साल तक नहीं आई थी। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे गरमा रहा है मामला अग्निवीर का, संसद में भी गरमा रहा है, बाहर भी गरमा रहा है, तो अब की बार सरकार ने फिर दोबारा परमानेंट 23 साल उम्र जीडी, टेक्निकल क्लर्क, ट्रेडमैन, सभी पोस्ट, सभी ट्रेड का जो है उम्र 23 साल करने की ठान ली है, यानी कि मतलब उसका रिटर्न कर दिया है, फाइनल कर दिया कि हम 23 साल पे एग्री हैं सरकार ने। अब बात आती है कि 25%, दोस्तों 50% पे भी 50% करने का पूरा चांस बन चुका है। मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये वीडियो माध्यम है हिंदुस्तान टाइम्स, ये हिंदुस्तान टाइम्स क्या, ये सभी ने कवर किया है, पर लेकिन जो मैंने आपको दिखाया है वो हिंदुस्तान टाइम्स का है। नवभारत टाइम्स, अमर उजाला, दैनिक जागरण, ये हिंदुस्तान का है दोस्तों। तो उसमें आप लोगों को मैं बता दूं, 23 जुलाई को हमारा बजट आना है और बजट आने के बाद जो भी आर्मी का बजट आएगा उसके बाद जो भी सरकार इसमें बदलाव करेगी, वो बदलाव अभी तक जो तय है वो तय ये है कि 50% और 23 साल उम्र। तो अगर आपकी उम्र बचती है और आपको जीडी या टेक्निकल या ट्रेडमैन और आर्मी में जाने का आपका सपना है, और सबसे बड़ी बात जो है वो बड़ी बात ये है कि अग्निवीर को हटाया जाएगा, यानी कि अग्निवीर का नाम अग्निवीर नहीं रहेगा, ये निश्चित है। ये अंदर की खबर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अग्निवीर का नाम अग्निवीर नहीं रहेगा, और 2 महीने की बात है, 1 महीने की बात है, आप लोगों को सभी जानकारी मिल जाएगी। अब बात आती है कि जो जितनी भी भर्तियां ये चल रही हैं ये होंगी या नहीं होंगी, इनका जिनका रिटर्न हुआ है दोस्तों मैं बता दूं ये पुराने प्रोसीजर से ही होंगी, लेकिन इनमें भी 50% आपको कोटा मिलेगा, जबकि युवा जितने भी हैं वो कोई तैयार नहीं है 50% के लिए। वो युवा ये इसलिए तैयार है कि इसे अग्निवीर को ख़त्म करें, अग्निपथ योजना को हटाएं, तो हम जॉब करने के लिए तैयार हैं, यानी आर्मी में जाने के लिए तैयार हैं, अन्यथा हम आर्मी में नहीं जाएंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग ये चाहते हैं कि पूरी परमानेंट हटे, तो आप अपने जिले के सांसद से बात करें और उनके सामने अपने समस्या रखें, ठीक है दोस्तों, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि सांसद ही संसद में बैठता है और संसद में ये बात चलती है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबा सकते हैं। नंबर 2 बात, अगर कोई भी सवाल आपका है तो इंस्टाग्राम आईडी है चीनू सैदपुर फिजिकल, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर जाके आप लोग क्लिक करके बात कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।